दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन के बारे में जानेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग में, भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित दोस्तों छत्तीसगढ़ विविध भौगोलिक स्थिति वाला क्षेत्र है। विभिन्न पर्वतमाला एवं पठार भी मौजूद हैं जो कि उपजाऊ मैदान को घेरे हुए हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर छत्तीसगढ़ को मुख्यतः चार प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जो कि है जो कि है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि 16.16% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। ये है दोस्तों जसपुर का पठार, जो कि 4.59% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। तीसरा दोस्तों महानदी का, जो कि सर्वाधिक 50.34% क्षेत्र को घेरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों दंडकारण्य का पठार, जो कि 28.91% क्षेत्र को घेरे हुआ है। दोस्तों आज हम अब हम क्रमवार एक एक के बारे में जानते हैं कि आखिर किसका क्षेत्र कितना तथा इसके अंतर्गत क्या क्या सीमाएं हुआ, पठार चोटियां जो भी है आती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो कि पश्चिम में शहडोल एवं डिंडोरी जिले से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक तथा उत्तर में सोन नदी से लेकर के दक्षिण मैकल श्रेणी व महानदी बेसिन तक लगभग 46,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला कटा फटा पहाड़ी प्रदेश है, जिसे हम बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। चूंकि बघेलखंड का पठार पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, इसलिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार का 37.32% भाग छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। इस पठार में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है स्पष्ट रूप से तीन मुख्य क्षेत्र का पता चलता है, जो कि है देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि एक ऊंची चोटी है जो लगभग 1,033 मीटर है। दूसरा है दोस्तों सोनहट का पठार, जो कि 755 मीटर, एवं सरगुजा बेसिन, जो कि 755 मीटर ऊंचा है। जो कि इसके अलावा दोस्तों ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार मुख्यतः चार जिलों को स्पर्श कर जिले उसके अंतर्गत आती हैं, जो कि है दोस्तों कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। बलरामपुर के अंतर्गत दोस्तों सामरीपाट, जमीरपाट एवं अन्य कुछ आते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। और अगला और एक जिला है जो कि है सरगुजा, जिसके अंतर्गत मैनपाट, जारामपाट, ये सब मुख्य मुख्य और कुछ भी हैं जो मैं बताऊंगा आगे। तो इसके अलावा दोस्तों भौतिक संरचना के आधार पर पूर्वी बघेलखंड के पठार को मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है, जो कि है कन्हार कछार पहला, दूसरा दोस्तों रिहन कछार, तीसरा है चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ियां, चौथा है सरगुजा बेसिन और पांचवा है दोस्तों हसदो रामपुर बेसिन। दोस्तों इन पांचों को हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इन क्षेत्रों का इतना महत्व क्यों है। तो कन्हार बेसिन का निर्माण दोस्तों कन्हार नदी एवं उनकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसके जरिए हुआ है, जिनका उद्गम दोस्तों जसपुर जिले के बगीचा तहसील में स्थित पंडरापाट के बखोरा चोटी से होती है। यह बेसिन छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची जो सीमांत क्षेत्र में स्थित है तथा उत्तर पूर्वी सरगुजा से रामानुगंज तहसील तक दोस्तों यह क्षेत्र कन्हार बेसिन का फैला हुआ है। दूसरा है दोस्तों रिहन बेसिन दोस्तों जो है रिहन एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित होती है। यह देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर में तथा कन्हार बेसिन के पश्चिम में वाडप नगर तहसील के अंतर्गत स्थित है। और रिहंद नदी जो है छुरी मतिरंगा, जो कि सरगुजा में स्थित है, की पहाड़ियों से निकलकर सूरजपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी और सरगुजा बेसिन को काटते हुए बलरामपुर के कुछ भाग में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। रिहंद बेसिन को दोस्तों एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम सिंगरौली बेसिन भी कहते हैं। दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार का मैप है, जिसे देखकर हम समझेंगे कि आखिर कहाँ से क्या जगह निकलती है, जो कि हम जिससे जिससे हमारा क्षेत्र काफी विस्तृत और काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों अगला है चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि दोस्तों विंध्यन पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है।
यह कोरिया सूरजपुर उत्तरी सरगुजा एवं दक्षिणी बलरामपुर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे भागों में से एक है। देवगढ़ की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जिसे लीलावनी जो कि 1033 मीटर है, इसके उत्तर में तो गोपद और रिहर नदी के जल विभाजक पर देवसर की पहाड़ी मौजूद है। देवगढ़ एवं मैकल श्रेणी के मध्य सुहागपुर बेसिन अवस्थित है जो कि दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित मुड़वाड़ा बेसिन से छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। इस अंचल का ढाल उत्तर की ओर है जिसके कारण यहाँ की नदियां गोपद, बनास, रिहन और कन्हार इस क्षेत्र का सारा जल उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सोन नदी में लेकर डाल देती है। दोस्तों ये जो है ये हो गया बनास, ये गोपद, ये रिहंद और ये हो गया दोस्तों कन्हार नदी। और इसी तरह दोस्तों ये जो सोन नदी है जो अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, इस यहाँ से दोस्तों ये हसदेव नदी, ये जो सारी नदियां दोस्तों ये उत्तर की ओर बहती हुई सोन नदी में मिलती है। सोन नदी जो है आगे जाकर आपका गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो इस तरह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि आगे जाकर सोन नदी, उसके बाद दोस्तों गंगा नदी में जाकर गंगा का पानी स्तर को बढ़ाता है तथा हमारे क्षेत्र का एक अलग स्थान देता है। और इसके अलावा दोस्तों अगला जो कि सरगुजा बेसिन होता है जिसके अंतर्गत दोस्तों यह जो है उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ियों से तथा दक्षिण में छुरी मतिरंगा की पहाड़ियों से घिरा है। यह पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों इस क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ी अवस्थित है तथा पश्चिम में सोनहट का पठार स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। इसी पहाड़ी में महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतर प्रसिद्ध साहित्यकार मुकुटधर पांडे जी ने किया था। दोस्तों एक सीताकुंड नामक स्थान जो कि सरगुजा जिले में है, यह जिला जो रामायण काल में जल संग्रहण हेतु इस कुंड का निर्माण किया गया था, इसी कारण से यह फेमस है। और दोस्तों जो कि सूरजपुर जिले में है जिसे सीता लेखनी की पहाड़ी या पहाड़ कहते हैं जो कि काफी दोस्तों पुरातात्विक होने के कारण काफी फेमस रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो है हसदो रामपुर बेसिन, यह दोस्तों जो एक जल विभाजन का काम जो दक्षिण भाग का में करती है पूर्वी बघेलखंड का, इसका विस्तार जो है दक्षिण महेंद्रगढ़, पूर्वी पेंड्रा तथा उत्तरी कटघोरा तक है। इस क्षेत्र में दोस्तों क्रमबद्ध रूप से अनेक जलप्रपात हैं। हसदो नदी कैमूर सोनहट के पठार से निकलकर हसदो रामपुर बेसिन व कोरवा बेसिन की गुणवाना चट्टानों को काटकर घाटी का निर्माण करते हुए शिलादेही जो कि जांजगीर चांपा में मौजूद है नामक स्थान पर महानदी में जाकर मिल जाती है। हसदो रामपुर बेसिन देवगढ़ की दोस्तों पहाड़ी जो कि पेंड्रा लोरमी का पठार, सरगुजा बेसिन, कोरिया बेसिन व छुरी उदयपुर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों रामगढ़ की जो पहाड़ी है इसमें सीता बेंगरा, जोगी मारा व लक्ष्मण बेंगरा गुफा स्थित है। इसी पहाड़ी में सीता बेंगरा दोस्तों जो कि 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला में इसकी रचना की थी, यह विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है। दोस्तों यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण तत्व है, इससे अक्सर क्वेश्चन बनते ही है। अगला दोस्तों जोगी मारा जो कि इस गुफा में इसलिए फेमस है गुफा क्योंकि यहाँ पे जो एक नर्तक थे देवदासी नित्यांगना की प्रेम कथा का वर्णन का चित्र जो है इस गुफा में मौजूद है। यहाँ दोस्तों मौर्यकालीन सम्राट अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं जिसकी भाषा पाली व लिपि जो है ब्राह्मी है। इसकी दोस्तों औसतम ऊंचाई है 300 से 700 मीटर तथा ढाल जो है दोस्तों उत्तर की ओर है। इसका अपवर्तन दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार या महानदी के जल विभाजक का दक्षिण भाग है। सोन जो है अपनी सहायक नदियों को लेकर जैसे जो कि है बनास, गोपद, कन्हार जो पटना बिहार में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यह प्रदेश गंगा अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त हसदो नदी पठार के दक्षिण हिस्से का जल लेकर महानदी में जाकर मिल जाती है। इसकी भूगर्भीय संरचना जो इस प्रकार से है कि यहाँ आद्य महाकल्प एवं गुणवाना सर समूह से मिलकर यह क्षेत्र जो है बघेलखंड का पठार बनता है। भूखंड के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक बलरामपुर सूरजपुर कोरिया में अपर गुणवाना विस्तृत है जिसमें बलुआ पत्थर और शैल मिलते हैं। इस शैल समूह की पट्टी में संलग्न निचले भाग में लोअर गुणवाना शैल प्राप्त होता है जो कि दक्षिणी कोरिया एवं दक्षिणी सूरजपुर में विस्तृत है। इन दोनों शैल समूह में कोयला प्राप्त होता है।
इसके अतिरिक्त सरगुजा के कुछ क्षेत्र में आदिमाकड़ शैल समूह भी पाए जाते हैं जिसमें ग्रेनाइट नीस आदि चट्टाने भी मिलती है। यहाँ की मिट्टी दोस्तों जो है वन आच्छादित होने के कारण इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो कि धान एवं मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु दोस्तों इन जिलों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है जिस कारण से यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी है जो कि उष्ण कटिबंधीय टाइप की जैसी है। यहाँ की दोस्तों औसतम तापमान जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के न्यूनतम जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यहाँ अर्थात गर्मी उषाण एवं शीत ऋतु सामान्य व शुष्क होती है दोस्तों। यहाँ पे इस क्षेत्र में लगभग दोस्तों औसतन वर्षा जो है 125 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। यह मुख्य रूप से दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन जो है पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों जशपुर, जशपुर पाट प्रदेश जो कि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में। आइए दोस्तों इसके बारे में भी जानते हैं। यह क्षेत्र दोस्तों सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा प्रदेश है जो कि राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पाट एक उच्च समतल व पठारी स्थलाकृत होती है यानी कि दोस्तों एक पहाड़ टाइप का होता है जो ऊपर में समतल या बराबर होता है। अर्थात इस प्रदेश का धरातल जो है दोस्तों सीढ़ी नुमा ढाल के साथ उच्च में समतलीय होता है। यह पाट प्रदेश छोटा नागपुर का पठार का एक हिस्सा है। छोटा नागपुर का दोस्तों कुल क्षेत्रफल जो है 65,509 वर्ग किलोमीटर का है। यहाँ छोटा नागपुर जो पठार है उसका ज्यादातर हिस्सा झारखंड में आता है तथा कुछ हिस्सा उड़ीसा बिहार एवं छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इसके अंतर्गत दोस्तों जशपुर पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, मैन पाट, जारंग पाट आदि पाट क्षेत्र मौजूद आती है। इसका ढाल जो है दोस्तों पूरब से दक्षिण की ओर है। यह पाट पर दोस्तों पूरब में छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में बघेलखंड का पठार और दक्षिण में महानदी बेसिन से घिरा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मुख्य रूप से 6 पाट है जिसे हम क्रमवार देखेंगे। जैसे कि सामरी पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट, मैन पाट आदि। दोस्तों आइए इनके बारे में क्रमवार थोड़ा थोड़ा इसका मुख्य मुख्य तत्वों को देख लेते हैं जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों जैसे कि सामरी पाट पहला है। सामरी पाट बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में स्थित है। यह क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ का सीमांत क्षेत्र है। सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों गौरलाटा जो कि 1225 मीटर है जो कि छत्तीसगढ़ का उच्चतम शिखर है। सामरी पाट का पश्चिमी भाग लसुन पाट कहलाता है तथा पूर्वी भाग जो है इसका दोस्तों जमीर पाट कहलाता है। दूसरा जो है हमारा जमीर पाट है। जमीर पाट में बॉक्साइट जो है दोस्तों प्रचुर मात्रा में मिलता है इसलिए इसे बॉक्साइट का मैदान भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों पंडरा पाट। पंडरा पाट दोस्तों जसपुर जिले के बगीचा तहसील में स्थित है। पंडरा पाट के खुफिया पहाड़ में कन्हार नदी, रानी झूला उच्च भूमि से इब नदी निकलती है। इब नदी दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जाकर महानदी में मिल जाती है। खुड़िया पहाड़ में दोस्तों एक खुड़िया पहाड़ नामक स्थान है जो कि काफी फेमस है बॉक्साइट के कारण। अगला है दोस्तों चौथा जो है जसपुर पाट। जसपुर पाट जो है दोस्तों प्राकृतिक विभाजन का सबसे बड़ा एवं लंबा पाट प्रदेश है। पंडरा पाट के अतिरिक्त यह लगभग संपूर्ण जसपुर जिले में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई दोस्तों है जो लगभग 900 मीटर है किंतु इसका अधिकतम शिखर की जो ऊंचाई है लगभग 1000 मीटर आसपास है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पहाड़ मुख्य रूप से यहाँ की पहाड़ है भंवर पहाड़, तेंदु पाट आदि अन्य। अगला दोस्तों जारंग पाट। आइए मैप पे भी कुछ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि जारंग पाट दोस्तों यहाँ पर मौजूद है। ये है दोस्तों लगभग 1045 मीटर। दोस्तों ये है मैन पाट जो कि 1152 मीटर है। गौरलाटा दोस्तों यहाँ मौजूद है बलरामपुर में जो कि 1225 मीटर है। अब बलरामपुर में दोस्तों सामरी पाट है जो कि सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़ का। यही दोस्तों इसका अगला है जमीर पाट जो कि काफी फेमस है, भी दोस्तों बलरामपुर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ दोस्तों एक बखौना चोटी नामक स्थान है जो कि बलरामपुर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ दोस्तों लहसुन पाट प्रदेश है या खुर्जा की पहाड़ी है। यहाँ दोस्तों पत्थर गांव
वो वाला ब्लॉक है जहाँ पे लैलूंगा का पठार है। ये दोस्तों जो है मैनी नदी यहाँ से बहती हुई जाकर इब नदी में मिल जाती है। दोस्तों जो जारंग है, जारंग पाट है जो सरगुजा जिले के उत्तरी सीतापुर से लेकर लुंड्रा तहसील तक फैला हुआ है। इसके अधिकतम ऊंचाई जो है दोस्तों 1145 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक बॉक्साइट भंडार का केंद्र माना जाता है। अगला है दोस्तों मैनपाट। मैनपाट जो है दोस्तों सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, जो कि लगभग 1152 मीटर इसका ऊंचाई है। मांड नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है तथा इस क्षेत्र पर सरबंजा जलप्रपात का निर्माण करते हुए जो कि जांगी चापा के चंद्रपुर नामक स्थान पर मांड नदी पे जाकर मिल जाती है। मैनपाट में दोस्तों 1962 में जो तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, और यहाँ पे कुछ पिकनिक स्पॉट भी है, फेमस जगह है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, जो कि है टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट आदि। इसके अलावा दोस्तों हिल स्टेशन भी है तथा भूकंपी जलजली नामक स्थान है जहाँ का दोस्तों भूमि जो है हिलता है। इसका भूगर्भीय संरचना के बारे में देखते हैं, जो कि ज्वाला यहाँ का जो संरचना जो जो दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से निर्मित दक्कन टाइप्स प्रदेश की संरचना हुई है। यहाँ दोस्तों बॉक्साइट खनिज जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी जो है लेटराइट मिट्टी है, जिसमें आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मिट्टी का उपजाऊ परत बहाव एवं निचालन से खत्म हो गया है, अतः यह कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। इसका उपयोग दोस्तों गृह निर्माण कार्य में बहुतायत में होता है। यहाँ की जलवायु जो है दोस्तों देखते हैं, यहाँ का जो प्रदेश अत्यंत दुर्गम वनों से घिरा हुआ है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पे अधिकतम औसतम वर्षा जो 172 सेंटीमीटर तो होती है। यहाँ की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, और यहाँ के औसत तापमान जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के जो शीतकाल में जो न्यूनतम 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस भाग में उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ का अफवाह क्षेत्र देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ की नदियां जो है मुख्य रूप से कन्हार जो कि सोन की एक सहायक नदी है, और शंख नदी जो कि ब्राह्मण नदी की सहायक नदी है, ई मान जो कि महानदी की सहायक नदी है मौजूद है। ये सभी नदियां दोस्तों पूर्व से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। महानदी का तटीय उपजाऊ क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। उत्तर में बघेलखंड का पठार, पश्चिम में मैकल श्रेणी, दक्षिण में दृढ़कारण्य का पठार एवं पूर्व में लघु पर्वत से घिरा हुआ समतल क्षेत्र पंखे की आकृति के समान है। इस भूभाग को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यह दोस्तों लगभग 50 से 34% क्षेत्र को घेरा हुआ है। इस प्रदेश की धरातीय संरचना मध्य में मैदानी भाग होने के कारण समतल तथा पूर्वी व पश्चिमी सीमांत क्षेत्र उच्चावच है, जिसके कारण पृष्ठभूमि जो है कटोरे के समान दिखाई पड़ती है। यह दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग का मैप, जो कि दोस्तों 68,064 मीटर कुल है, कुल क्षेत्रफल का। इसके अंतर्गत दोस्तों लगभग 15-16 जिले आती हैं, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। कोरबा कोरबा आता है, कोरबा के बाद रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कवर्धा, बेमेतरा, बालो बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, बालो, धमतरी, गरियाबंद, और अभी जो हाल ही में जो नया जिला बना है दोस्तों गौरेला पिंडरा मारवाही, ये सभी जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। यहाँ का इस मैदान का दोस्तों औसतम ऊंचाई जो है 220 मीटर से और मीटर है, लेकिन सर्वाधिक जो है दोस्तों 330 मीटर है। इसका ढाल जो है दोस्तों पूर्व की तरफ है। मध्य में छत्तीसगढ़ का मैदान दोस्तों 31,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तथा यह मैदानी क्षेत्र के किनारे में उच्च भूमि या उच्चावच से घिरा हुआ है, जो दोस्तों 3,60,464 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ बेसिन को दो स्थलाकृति पर क्षेत्रों में दोस्तों बांटा गया है। जो कि है दोस्तों एक मैदानी भाग, जो कि मैदानी भाग, और दूसरा सीमांत उच्च भूमि। दोस्तों दोनों के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते हैं उसे मैं क्रमवार बता देता हूं, जो कि है
पेंड्रा नोमी का पठार, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, मैकल श्रेणी, दुर्ग की सीमांत उच्च भूमि, धमतरी महासुमिंद आदि की उच्च भूमियां। ये सभी दोस्तों इसके मैदान के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के मैदान का। यहाँ की भूगर्भिक संरचना दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से निर्मित कड़प्पा शैल समूह से हुआ है। यहाँ पर चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिज जो प्रचुर मात्रा में दोस्तों पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी दोस्तों उपजाऊ है, जो कि लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी है। यहाँ पर मुख्य रूप से धान, चना, सोयाबीन आदि फसल बोए जाते हैं। यह क्षेत्र दोस्तों प्राकृतिक विभाजन का सबसे बड़ा भूभाग है तथा यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई के साधन होने के साथ साथ कृषि उत्पादन भी सर्वाधिक होती है। ये दोस्तों जो है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या है और जनसंख्या घनत्व साक्षरता व अधिकीकरण भी है। यह दोस्तों महानदी अपतंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि इसकी सहायक नदियां ईप, मांड, किलो, बुराई, हसदो, शिवनाथ, पैरी, सोंडूर, जोकालात आदि के इनकी सहायक नदियां हैं, जो कि इस महानदी अपतंत्र की विशालता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह ताड़ा एवं बंजर नदी, जो कि कबीरधाम जिले से निकलकर नर्मदा में प्रवाहित होती है, यानी कि यह दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वसतम तापमान जो है ग्रीष्म काल में 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत काल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस क्षेत्र में औसतम वर्षा जो है 170.5 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है, किंतु कबीरधाम जिलों में न्यूनतम वर्षा होती है। यह वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ दोस्तों मुख्य मुख्य जो की सिहावा पर्वत जो की धमतरी जिले में है, कांदावनी पहाड़ी जो की कबीरधाम जिले में है, छाता पहाड़ी जो की बड़ौदा बाजार में है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी जो कि दोस्तों राजनांदगांव में मौजूद है। आइए दोस्तों मैप में देख लेते हैं कि कहां पर क्या क्या है। दोस्तों यहां पर जो है ये कवर्धा क्षेत्र है। दोस्तों यहां पर बदरगढ़ की जो चोटी है 1176 मीटर है और इसी यहीं पर कंदावनी नामक पहाड़ी भी है। दोस्तों यहाँ ये दोस्तों बिलासपुर के अंतर्गत था, जो कि पलमा चोटी है, जो कि नहीं ये अभी दोस्तों नया जिला जो बना पेंड्रा गुरले पेंड्रा मरवाई उसके अंतर्गत आता है तथा यहाँ की पठार की जो अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 800 मीटर है। कोरबा में दोस्तों जो लाफागढ़ की जो है, जो कि छुड़ी उदयपुर के पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो लाफागढ़ चोटी जो है दोस्तों 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा दोस्तों जो कि ये जो है दोस्तों शिवनाथ नदी है, जो कि राजनांदगांव से निकलती हुई महानदी में जाकर बलौदा बाजार के आसपास में जांगी चापा बलौदा बाजार के आसपास मिल जाती है। ये दोस्तों रायपुर दुर्ग रायपुर का मैदानी भाग है। यहाँ दोस्तों धारी डोंगर की जो ऊंची चोटी है वो जैसे रतन पहाड़ी जो कि रतन की पहाड़ी पर मौजूद है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 899 है, जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। ये दोस्तों धमतरी महासमुंद की उच्च भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों भात्री नवागढ़ की पहाड़ी जो कि यहाँ मौजूद है अवस्थित है। यहाँ दोस्तों नरियर पानी नामक भी एक पहाड़ी जो कि काफी फेमस प्रकार का है। यहाँ दोस्तों सिहावा पर्वत मौजूद है, जिससे कि महानदी जो कि एक महान नदी है निकलती है। दोस्तों ये बालोद है जो कि यहाँ पे दली राजहरा, ये दोस्तों दली राजा जो कि इसकी ऊंचाई 700 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ बेसिन है और ये दोस्तों रायगढ़ एरिया है अपना। यहाँ दोस्तों जांजगर चापे मौजूद है। ये दोस्तों छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं। तो काफी कुछ बहुत सारा बड़ा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। हाँ दोस्तों हमारा अगला है नंबर है चौथा, जो कि दंडकारण्य का पठार जिसे कहते हैं, जो कि दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। इसके भी अपनी अलग एक बहुत ही बड़ी महत्व है। इसका दोस्तों क्षेत्रफल लगभग 39,060 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 28.91% क्षेत्र को घेरा हुआ है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारियों को देखते हैं। यह क्षेत्र दोस्तों विंध्याचल पर्वत के से गोदावरी तक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि विस्तृत दंडकारण्य वन छत्तीसगढ़ में 39,060 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसके पूर्व में बस्तर का पठार, पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ी तथा निचला भाग मैदानी है। राज्य के यह दक्षिण प्राकृतिक प्रदेश
जनजाति बाहुल्य वनाच्छादित तथा खनिज संसाधन से संपन्न है। इसके अंतर्गत दोस्तों बस्तर संभाग के सभी जिले आती हैं, जो कि है कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर। इसके अंतर्गत दोस्तों मोहल्ला श्रेणी भी आता है, जो कि राजनांदगांव में अवस्थित है। इसकी ढाल सोए दोस्तों पश्चिम से दक्षिण दिशा की ओर है। इसके औसतम ऊंचाई है दोस्तों 600 मीटर। और दोस्तों इस मैदान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः इसको चार भागों में बांटा गया, जो कि कोटरी बेसिन, ये दोस्तों कोटरी बेसिन, अभुजमार्ग की पहाड़ी क्षेत्र, बस्तर पहाड़ी का पठार, बीजापुर का मैदान आदि दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों दंडकारण्य का पठार का मैप, जो कि 39,060 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरा हुआ है। यहाँ दोस्तों ये जो है राजनांदगांव, यह दोस्तों राजनांदगांव का क्षेत्र। यहाँ दोस्तों कोटरी बेसिन, जो कि यहाँ से निकलती है, प्रवाहित होती है। यह क्षेत्र दोस्तों कांकेर है। यहाँ मलाजकुंड की पहाड़ी है, जिसमें से दोस्तों शिवनाथ नदी निकलती है। ये दोस्तों महानदी है ये वाली। और ये केशकाल घाटी है दोस्तों, जो कि केशकाल घाटी, जो कि दोस्तों नारायणपुर में कोंडागांव में अवस्थित है। ये दोस्तों बस्तर की है, जो कि यहाँ इंद्रावती नदी यहाँ प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर जाके इंद्रावती नदी, फिर गोदावरी नदी सोमुगुल संगम में मिल जाती है गोदावरी नदी के साथ। ये दोस्तों अपना सुकमा एरिया है, सुकमा जो कि सबसे दक्षिणतम है हमारे छत्तीसगढ़ का। ये दोस्तों जो बीजापुर का मैदान है, और यहाँ बैलाडीला की पहाड़ी है, जो कि लोहे आयरन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये दोस्तों नंदीराज चोटी है, जो कि 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। आइए इसके बारे में भी कुछ बेसिक जानकारियां ले लेते हैं। जो कोटरी बेसिन के अंतर्गत दोस्तों यह इनकी सायन नदी जो है दोस्तों मोहल्ला राजनांदगांव से लेकर पखांजूर और भानुप्रतापपुर कांकेर तहसील तक यह क्षेत्र विस्तृत है। इसकी औसतम ऊंचाई जो है 300 से लगभग 450 मीटर के आसपास है। इसी तरह दोस्तों अभुजमार्ग की जो पहाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में स्थित अभुजमार्ग की ऊंची पहाड़ी नारायणपुर और दक्षिण कांकेर के अंतर्गत आता है। अभुजमार्ग पहाड़ी की दोस्तों औसतम ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है, जबकि इसकी अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 1076 मीटर है। यह क्षेत्र सर्वोच्च किस्म के सागवान वनों से वनाच्छादित है तथा यहाँ सर्वाधिक 157 सेंटीमीटर आसपास वर्षा होती है, जिसे हम अभुजमार्ग को दोस्तों हम छत्तीसगढ़ चेरापूंजी भी कहते हैं। कांकेर जिले के अंतर्गत दोस्तों रावघाट की पहाड़ी आती है, जो कि लौह अयस्क के लिए काफी प्रसिद्ध है। आरी डोंगरी भानुप्रतापपुर तहसील में यह क्षेत्र भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। एक दोस्तों और है गढ़िया पहाड़, जो कि सितंबर माह में गढ़िया महोत्सव का आयोजन इस क्षेत्र में किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध मेला इसमें लगता है दोस्तों। इसका अंतर और अगला है दोस्तों बस्तर का पठार, जो कि उत्तर पूर्वी पठार है। यह पठारी क्षेत्र दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी भाग के में विस्तृत होती है या विस्तृत है। इस पठारी क्षेत्र में दोस्तों केशकाल घाटी, जो कि कोंडागांव में, तथा पश्चिम में बैलाडीला की पहाड़ी, जो कि दंतेवाड़ा में अवस्थित है। चौथा केशकाल घाटी दोस्तों कोंडागांव में अवस्थित है, जो कि इसमें बहुत ही रास्ता में इंद्रावती नदी का अपवाह तंत्र तथा इसमें लगभग 12 मोड़ है, जो कि बस्तर का जिसे कि प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं। इस 12 मोड़ से होकर जो गुजरती है, जो कि बस्तर में प्रवेश करती है। अगला दोस्तों बीजापुर का मैदान, जो कि गोदावरी शब्द का एक मैदानी भाग है। यह पठार का दक्षिणी सीमांत भाग है, जो कि बीजापुर व सुकमा के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का अपवाह तंत्र दोस्तों दंडकारण्य गोदावरी अपवाह तंत्र का एक भाग है। गोदावरी की सहायक नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ में पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए अपनी सहायक नदियों, जो कि कोटरी, विनिब्रा, नारंगी आदि का जल लेकर अंततः गोदावरी में जाकर यह मिल जाती है। यहाँ का दोस्तों भूगर्भीय संरचना जो है आद्य महाकाल शेल्फ से क्षेत्र बना हुआ है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट, नीस पत्थर प्राप्त होता है, जिसका विस्तार दोस्तों कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर तथा उत्तरी बस्तर तक यह फैला हुआ है। बस्तर का पठार इन्हीं ग्रेनाइट नीस चट्टानों से निर्मित होता है। दंतेवाड़ा में दोस्तों धारवाड़ शैल समूह काफी फेमस है, जिनमें से लौह अयस्क जो विशाल मात्रा में निकाले जाते हैं। केशकाल घाटी के उच्च पठार कड़प्पा एवं विंध्यन शैल समूह से निर्मित है। ये शैल ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से बनता है। यहाँ की मिट्टी की जो है पहाड़ी क्षेत्र पर लगभग 52.27% भाग जो है वनों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, किंतु रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी उर्वरता कम होती है। दक्षिण दंतेवाड़ा में सुकमा के कुछ क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र के कुछ भाग में कृषि कार्य भी किया जाता है। यहाँ की जलवायु दोस्तों मानसूनी है। यहाँ शीतकाल में औसतन तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्मकाल में औसतन तापमान
31 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसका अलावा दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण ऊंची चोटियों के बारे में जान लेते हैं जो कि इस भौगोलिक संरचना को काफी इसकी महत्व को दर्शाता है, तथा हमारे छत्तीसगढ़ का जो महत्वपूर्ण ऊंची चोटियां है इसके बारे में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारियां देती है जो कि काफी फेमस है हमारे जैसे छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि काफी ऊंची है जो हमारे छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला है दोस्तों सामरी पार्ट जिसे हम गोलाटा चोटी भी कहते हैं, जिसमें जो कि 1225 मीटर है, जो बलरामपुर जिले में मौजूद है। दूसरा बेलाडीला या नंदीराज चोटी जो कि 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। अगला जो बदरगढ़ की चोटी जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है, जो कि कबीरधाम जिले में अभी अवस्थित है। अगला है मैनपाट जो कि 1152 किलोमीटर है, जो कि सरगुजा जिले में अवस्थित है। पांचवा है दोस्तों पलमा चोटी जो कि पिंडरा में मौजूद है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1080 मीटर है, जो कि बिलासपुर में मौजूद है। छठवां जो है लापरगढ़ की चोटी जो कि पिंडरा में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1048 वर्ग मीटर है, जो कि कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला है दोस्तों जारंग पाट जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आती है। आठवां है दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ी जिसे हम लीलावनी भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1033 मीटर है, जो कि कोरिया जिले में अवस्थित है। नवां है दोस्तों धाई डोंगर की पहाड़ी जिसे हम शिशुपाल पहाड़ी में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 899 है, जो कि महासमुंद जिले में अवस्थित है। दसवां दोस्तों पेंडा लोरमी का पठार जो कि 800 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि बिलासपुर जिले में अवस्थित है। ग्यारहवां दोस्तों दल्हा पहाड़ जो कि 760 मीटर ऊंची है, जो कि जांजगीर चांपा में जिले में मौजूद है। बारहवां दोस्तों डोंगर की पहाड़ी जो कि 704 मीटर है, जो कि राजनांदगांव में अवस्थित है। तेरहवां दोस्तों दलित राजा की पहाड़ी जो कि 700 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि बालोद जिले में अवस्थित है। और अगला है दोस्तों अबुझमार की पहाड़ी जिसकी कुल ऊंचाई है 1076 मीटर, जो कि नारायणपुर जिले में अवस्थित है। इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत मुख्य मुख्य तथ्य जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।